इज यहाँ पर तैयारी चल रही थी बारात के जाने की और ये सब भाभी के ड्रेसेस हैं जो कि वली में रिसेप्शन का लहंगा है और बारात का गरारा है और यहाँ पर हम लोग जोड़े की काउंटिंग कर रहे थे क्योंकि जब हम लोग सब कुछ लेके प्रपेयर करके जा रहे थे तो ये हुआ कि मम्मी ने बोला कि सारे सूट के इसमें जितने भी कपड़े हैं सारे काउंट करो कि पूरे हैं कि नहीं तो टोटल ट्वेंटी वन जाने थे जो इसमें से ज़्यादा हो रहे थे तो एक होता है कि एक लाइक मतलब इक्कीस हो या तो मतलब कि ऐसे होता ना लोग बारह देते हैं देन ऐसे करके इक्कीस तो यहाँ पर मम्मी ने बोला कि ट्वेंटी फाइव और ऐसे ज्यादा ड्रेसेस हो गए तो मम्मी ने बोला वो सारा बात, मतलब जो मेरे भाभी हैं वो बाद में पहनेंगी बाद में दे दिया जाएगा लेकिन अभी इक्कीस करो शगुन के हिसाब से चीज़ें होती हैं तो वही हम लोग सब लोग काउंट करके सूट में रख रहे थे लोग सारे जो ड्रेसेस हैं वो सूट में रख रहे थे और एक डलिया बनती है जिसमें हम लोग सिर्फ जो है जितना भी निखा का सामान होता है दुल्हन का वो सारी चीज़ें ले जाएंगे लाइक शगुन की चोटी एंड ऑल सब कुछ जो चीज़ें होती हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये पिंक कलर का लहंगा है जो कि भाभी रिसेप्शन में पहनने वाली हैं और बारात का अभी थोड़ा सा एक दिन कल हम लोग बहुत बिजी थे कल बारात थी और बारात का भी वीडियो जल्दी आप लोग के पास आएगा तो अभी मैंने सोचा कि पहले मैं दिखा दूँ कि डाल कैसे जा रही है दुल्हन की क्या क्या चीज़ें हम लोग में क्या क्या चीज़ें होती हैं रीति रिवाज तो मैंने सोचा मैं आप लोग से शेयर करूँ क्योंकि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आते हैं तो अगर आपने जोड़े वाला लाइक ये जो कपड़े हैं ये वीडियो मैंने इससे पहले भी एक डाली हुई है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी मैंने भाभी के सारे ड्रेसेस शेयर किए थे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी अगर आपने नहीं देखा मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा उसमें मैंने ब्रीफ दिखाया हुआ है भाभी के सारे जोड़े तो यहाँ पर मैं आ, मतलब ऐसे ही सब चीज़ें लाइक मम्मी सुबह सुबह काउंट कर रही थी कि कितने जोड़े हुए क्योंकि ए जाने थे तो यहाँ पर सब चीज़ें काउंट करके रखी जा रही थी लाइक हो गए सैंडल हो गए अभी आगे आपको देखने को मिलेगा तो एक नज़र अगर आपको ब्रीफ देखना है तो वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट करिएगा तो यहाँ पर सब चीज़ें ये जो रेड वाला रखी वो साड़ी थी और अब ये वाले सूटकेस में जितने कपड़े आने थे वो आ गए हैं और ये वाली पैक हो गई थी उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये सुहाग पूरा जो हम लोग में रस्में होती हैं करने की तो यहाँ पर डलिया में चीज़ें हम लोग उधर भी तैयार कर रहे थे कि निकाह की सारी चीज़ें डलिया में जाती हैं और आ, सारी जितनी भी लाइक सैंडल ऑयल और ये ये वाली फ़्रॉक बहुत खूबसूरत से कलर की ये नई है जो कि ये अभी रिसेंट में जो है जारा ने मतलब कि जारा दानिश भाई ने जो है भाभी को गिफ्ट करी है और काफ़ी प्यारी सी फ्रॉक है जो कि पिछले वीडियो में मैंने शेयर नहीं करी बट ये अभी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिए तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करूँ बहुत प्यारा सा कलर और ये फ्रॉक है नाकली फ्रॉक है और तो वही सब चीज़ें हम लोग सब अच्छे से अरेंज कर रहे थे सूट केस में लगा रहे थे उसके बाद जो ये है डलिया जिसमें हम लोग सारी शगुन की चीज़ें लाइक चूड़ियाँ रख रहे थे उनके पैर की जो गरारे की पैर की चूड़ियाँ हैं चोटी है और लाइक सॉक्स जाता है और लाइक कॉम्ब जाता है सब चीज़ें मतलब शगुन की चीज़ें होती हैं जो कि जाती हैं तो वही चीज़ें हम लोग सब लोग रख रहे थे तैयारी कर रहे थे चीज़ों की तो इसलिए भी मैंने वीडियो दिखाया कि आप लोग को मतलब थोड़ा पता लगे कि हम लोग के यहाँ कैसे क्या जाता है तो यहाँ पर अभी मैंने रेड ही पेयर की चूड़ियाँ हम लोग रख रहे थे और उसके बाद ये बैग्स थे और जो कि मैंने सारी चीज़ें मैंने बताया कि पिछले वीडियो में मैंने ब्रीफ़ में शेयर करें बट मैं अभी निकाल के दिखा रही हूँ आप लोग को ये बैग्स सब चीज़ें हम लोग सब पैक कर रहे हैं जो जो चीज़ें लाइक भाभी की थी कि कोई भी चीज़ें मिस ना हो जाए तो वो चीज़ें हम लोग रख रहे थे सैंडल्स हो गई बैंगल्स हो गए लाइक हिजाब हो गया जो स्टोल्स हो गए, ये सब चीज़ें हम लोग सब अच्छे से पैक कर रहे थे मम्मी और पप्पू लोग सब लोग इन्वॉल्व थे और मैं भी बैठी हुई थी तो सब लोग हम लोग जो है पैकिंग में लगे हुए थे सारे चीज़ें रखने में और बारात की भी मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई हुई हैं और इन जल्दी आएगी और रस्में जो हुई थी तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी और अभी थोड़ा सा एक्चुअली एडिट का एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सब लाइक मेहमान गेस्ट हैं घर में इसलिए हम थोड़ा सा लाइक वीडियो एक दिन लेट हो गई मैंने कोशिश मैं सोच रही थी कि कल मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक क्यूरसिटी होती है ना कि अब अभी हल्दी का एक वीडियो आया है अभी बारात का कब आएगा ये वाली चीज़ें रहती हैं और ये है मेकअप बॉक्स और जो कि मम्मी अभी ऐसे बॉक्स में रख रही हैं बट अभी निकाल के अभी मैं आपको दिखाऊँगी और बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये मेकअप बॉक्स आपने कहाँ से लिया है, तो ये मेकअप बॉक्स मैंने लिया था, अमीना बाद में, जो दुपट्टा सागर शॉप है, है, पर है, uh, है, मतलब है मैं आपको दिखा दू मैं खोल के एक बार तो चीज़ें हम लोग ने इसमें रख दी थी बहुत चीजें अलग रखी थी तो हम लोग ने बाद में इसमें रख दी थी उसके बाद ये आई स्विस ब्यूटी का मैंने लिया था जो कि उसमें नहीं आ रहा था तो ये थी कुछ निकाँह की चूड़ियाँ मैंने सोचा आपको तो एक बार निकाल के दिखा दूँ और ये है निकाँह की चूड़ियाँ जो कि हम लोग ने ली थी गड़बड़ झाले से गड़बड़ झाले से अमीनाबाद से ली थी उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा सूट केस लेके जा रही हूँ सूट वाला इस पर भी सूट रखे थे तो ये मम्मी के पास मैं लेके जा रही हूँ उसके बाद मम्मी यहाँ पर चीज़ें लाइक रख रही थी जो निकाह नामा होता है जिसपे निकाह होता है और चीज़ें वो सब भी अपने सूट केस में रख रही थी बहुत जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइक कंगना ऑल और, और ये नाड़े और इमाम जामिन वगैरह जो चीज़ें होती हैं इम्पॉटेंट वो रख रही थी सब चीज़ें कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए सहरा कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सहरा तो आ, सहरा रख रही थी सब चीज़ें और इसी चीज़ की सब तैयारी हो रही थी बारात की और दाल ड्राई फ्रूट्स आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो है और फ्रूट्स गए थे और जो चौथी होती ना वो चौथी भी चौथी की रस्म हम लोग की बारात वाले दिन ही हो गई थी और मैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी और यहाँ पर मेरी फूफी जो है उसको बिल्कुल अच्छे से पैक कर रही थी बास्केट को तो बड़ा अच्छा लगा लेकिन ये होता है ना कि पहले से हम लोग कितनी तैयारी करते हैं शादी के लिए एकदम से और ऐसे ही होते होते एकदम से सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत तैयारी अभी यहाँ पर मम्मी गोल्ड ज्वेलरी सारी रख रही थी तो मैंने अभी गोल्ड ज्वेलरी नहीं दिखाई है मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक uh, वीडियो पे दिखाना आई थिंक सही नहीं है जो भी बट मैंने सोचा uh, यहाँ पर मम्मी सब चीज़ें रख रही थी कि सब चीज़ अच्छे से ले जा रही थी तो वो तैयारी में दिखा रही हूँ आपको कि बारात जाने में कितनी टेंशन होती है खासकर मम्मी लोगों को क्या चीज़ कोई चीज़ मिस ना हो जाए तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो आई होप कि आपको पसंद आए तो इन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे हम लोग तब तक के लिए बाय बाय